एग्जाम्पल टू, दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर 8 marks. राइट वॉल्फ डूल ऑफ द प्रॉब्लम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑफ 3x1 - x2² + x1³ सब्जेक्ट टू 2x1² - x1x2 = 2 x2 - x1² < 1 x2> = 0. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फंक्शन को हमने मिनिमम लेकर आना है. ये देखो हमने एग्जाम्पल वन में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो फंक्शन है प्रॉब्लम है उसको मिनिमम लेकर आना है, उसकी कंस्ट्रेंट्स को < 0 बनानी है, फिर उसके बाद डुअल कैसे चेंज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन f(x + u)g(x) सब्जेक्ट टू उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी ∇f(x) दैट मीन्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 + u∇g(x) जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होंगी उनका डेरिवेटिव करेंगे = 0 वेयर u > 0 x belongs to x. पहले हम फंक्शन को मिनिमम बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ. तो यहाँ पे हमारी जो चेंज हो जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -3x1 + x2² - x1³ देन सब्जेक्ट टू. तो ये हमारी वैल्यू होगी फंक्शन की f(x) की. उसके बाद हमारी g1 क्या होगा जो < = में है, > = में ये है x2 - x1² - 1 > 0. तो ये हमारी वैल्यू बन गई g1 की. g2 की वैल्यू क्या है कि -x2 < 0. जो इक्वेशन इक्वल टू में होती है उसकी वैल्यू होती है हमारी, वो होता है हमारा h1 x1 x2 - 2 = 0. ये हमारी वैल्यू होती है h1x की. सो यहां पे हमने सारी कंसीडर कर ली, सिंपली यहां पे इक्वेशंस लिख दी. उसका डुअल कैसे चेंज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या लेना है मैक्सिमम, + u1 g1 + u2 g2 + v1 h1. h के लिए हमने फंक्शन क्या लिया है, वेक्टर क्या लिया है g1, और g के लिए जो हमारी कंस्ट्रेंट थी उनके लिए लिए u2. जब हमारी टर्म इक्वल टू में होती है हमेशा हमने क्या लेना है h लेना है h1x. यहाँ पे आपने चेंज नहीं करना, g1 h1 ही रखना है. सो इसका डुअल और जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है वो किस में इक्वल होंगी, = 0 ∇f(x). इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव. और जो हमारा u1 है वो क्या होगा अनरिस्ट्रिक्टेड. ये हमने थर्ड सेम में भी किया है. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि इसका कोई भी साइन हो सकता है, हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कि ये > इक्वल टू में होगा कि < इक्वल टू में. जैसे u तो हमें पता ही है कि वो > इक्वल टू 0 में है, बट v का हमें कुछ नहीं पता कि < इक्वल टू है, > इक्वल टू है कि = 0 है. सो इसको हम बोल दिया अनरिस्ट्रिक्टेड. देन सिंपली यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कर दिए किसके, g1 g2 के जो हमने ऊपर कंसीडर किए थे. इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 इज -2x1, तो यहाँ पे पुट कर दिया. ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - 0 = 0, तो क्या आ गया 1. ऐसे हमने सभी की कर लेनी है, वेयर हमारे जो u है वो > इक्वल टू 0, v क्या है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है, और x1 x2 किसको बिलोंग करे हैं x0 को, या x भी लिख सकते हो आप यहाँ पे. इस सबसेट ऑफ r² क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं x1 x2, अगर 3 वेक्टर्स होते तो r³ आ जाता. नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपल इक्वेशंस में लिख दिया, ये हमारा बन गया मेन आंसर. तो हमारा आंसर आ गया माइनस, पहले तो ये टर्म एज इट इज, -3x1² - 2x1u1 + v4x1v1 - x2v1. ऐसे हमने इक्वल टू क्या लिख दिया 3, क्योंकि ये नेगेटिव है उधर जाके बन गया 3. सिमिलरली इसको लिखेंगे 2x1 + u1 - u2 - v1 x1 = 0, और u1 u2 हमारा > इक्वल टू 0 है, v1 हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब मैंने पहले भी बताया कि v1 हमें पता नहीं है कि वो > है कि > है या इक्वल टू है, तो इसे हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड.
एक्स वन एक्स टू किसको बिलोंग करते हैं, एक्स को या एक्स नोट को, इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या 8 मार्क्स में भी आ सकती है। मेन क्या था इसका, रूल, आपने पहले तो इसका रूल याद रखना है, और जो इसका सेकंड मेथड है वो हम नहीं करेंगे, तो इसको आपने क्रॉस लगा देना है। थैंक यू।